दोस्तों आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और YouTube बेल आइकॉन दबा कर पाए दुनिया की सारी रोचक खबरें फटाफट। दोस्तों बॉलीवुड के गलियारों से बड़ी खबर आ रही है। वह खबर यह है कि धूम 4 सेकंड सलमान और रणवीर सिंह का पता कट हो गया है। मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो आदित्य चोपड़ा ने धूम रिंग 4 के निर्देशक विजय कृष्णा आचार्य को सलमान खान के नाम पर दोबारा विचार करने की सलाह दी है। दोस्तों आप जानते ही हैं कि रेस 3 ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा प्रदर्शन नहीं किया जैसा उससे उम्मीद की जा रही थी। यही वजह है कि आदित्य चोपड़ा सलमान खान को धूम 4 में लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वैसे सलमान खान जिस फिल्म में काम करते हैं उसमें हर काम सलमान के मुताबिक ही होता है, इसीलिए आदित्य चोपड़ा नहीं चाहते कि सलमान खान फिल्म में अपनी मर्जी चलाएं। यही वजह है कि अब फिल्म में सलमान खान की जगह रणवीर को कास्ट किया जा सकता है। वैसे भी रणवीर कपूर की संजू ने बॉक्स ऑफिस पर जो धमाल मचाया उसके बाद तो हर कोई अपनी फिल्म में रणवीर को लेना चाहता है। दोस्तों ऐसी खबरें भी आ रही है कि धूम 4 में कटरीना कैफ को भी लिया जा सकता है। अब यह कहना गलत नहीं होगा कि सलमान खान को डबल झटका लगा है। एक तो रणवीर कपूर ने उनके हाथ से इतनी बड़ी फिल्म छीन ली और दूसरा उनकी फेवरेट को स्टार कैटरीना कैफ को अपनी हीरोइन बना लिया है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। ऐसी ही और रोचक खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।